हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर टू लॉस स्प्रिंग पार्ट टू। पार्ट वन में हमने पढ़ा था जो एनिस जंग जो ऑथर है उन्होंने बताया है एक साहिब नाम के लड़के जो एक रैग पिकर है उनके चाइल्डहुड कैसे उनका चाइल्डहुड है वो छिन जाता है और किस तरह से वो रैग पिकर का वर्क करते हैं और वो बिना जूते चप्पल भी रहते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चों के बारे में जिक्र किया है और पॉवर्टी एंड एक्सप्लोटेशन को दर्शाया है। नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट टू। माय क्वेंटिंग विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। अब जो एनिस जंग है उसका साहिब के साथ मिलना जुलना है वो काफ़ी टाइम से हो जाता है। विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। और एक दिन है वो एनिस जंग है वो सीमापुरी जाती है। ए प्लेस ऑन द पैराफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। और वो सीमापुरी कहाँ पे है? सीमापुरी दिल्ली के बॉर्डर पे है। ये लिटरेरी तो जो ये सीमापुरी है ये लिटरेरी दूर नहीं लगता, लेकिन दिल्ली के जो पीपल है उनका स्टैंडर्ड देखते हुए ये जो रैग पिकर्स है ये गरीब है, इस वजह से ये सीमापुरी दिल्ली से बहुत दूर लगता है, क्योंकि जो दिल्ली के लोग हैं उनका रहन सहन हाइयर स्टैंडर्ड का है और ये जो रैग पिकर्स है ये रहते तो वहीं हैं लेकिन इनके इन जो रहन सहन की कंडीशन को देखते हुए ये सीमापुरी बहुत दूर लगता है। दोज हु लिव हियर आर स्कैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। और ये लोग 1971 में जब बांग्लादेश का वार हुआ था तब वहाँ से आते हैं। कौन? साहिब लोग। स्क्वैटर्स मीन्स होता है, स्क्वैटर्स इज समवन हु लिव्स इन एन अनयूज्ड बिल्डिंग विदाउट ए लीगल राइट। विदाउट बिना किसी परमिशन के लोग यहाँ पे रहते हैं और बांग्लादेश से आते हैं 1971 में। साहिब फैमिली इज अमोंग देम। और साहिब का परिवार है ये भी उनमें से एक है। बहुत सारे लोग बांग्लादेश के वॉर के टाइम है वो आ जाते हैं और साहिब की फैमिली है वो भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए विल्डरनेस। और सीमापुरी है वो पूरा जैसे खंडर होता है ऐसे है। इट स्टिल इज, अब भी वो वैसा ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु पूरी तरह से वो खाली नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, उनके घर हैं वो मड कीचड़ से बने हुए हैं। विथ रूप्स ऑफ टीन एंड टेरापोलियन, और उनकी जो रूप है छतें हैं वो टीन जो लोहे की टीन होती उनसे बनी हुई है। एंड टेरापोलियन एक कपड़ा होता है जिससे टेंट वगैरह बनाए जाते हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेन्स और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। और यहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, उनके लिए ना तो कोई सीवेज ड्रेन्स और कोई भी रनिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी। और ये लोग हैं ये 30 साल से बिना किसी जान पहचान के रह रहे हैं। और ये जो 10,000 रैग पिकर्स है इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये कूड़ा कचरा जहाँ पे ये रहते हैं वहीं पे कूड़ा रहता है और वहीं पे इनके ये कचरे की निकास के लिए कुछ नहीं बनाया गया है। ये इस तरह से रैग पिकर्स ऐसी गंदी वाली जगह में ही रहते हैं। और 30 ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी, 30 साल से बिना किसी आइडेंटिटी के रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, कोई परमिशन नहीं है, बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ए ग्रेन। बट उनको इतना परमिट, उनको राशन कार्ड मिला हुआ है और वोटर लिस्ट में नाम है जिससे वो वोट डाल सकते हैं और राशन कार्ड की वजह से वो अनाज भी खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। फूड है, खाना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए ना कि आइडेंटिटी, पहचान। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एनी एकिंग स्टोमक्स वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, से ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी। देखो यहाँ पे कुछ वुमेन्स है वो बातें कर रही हैं। इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन पूरा ख़त्म हो जाता है, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम लोग अच्छे से खाना खा लेते हैं, गो टू बेड विदाउट एनी एकिंग स्टोमक। एकिंग स्टोमक मीन्स होता है खाली पेट, अगर हम लोग नहीं सोए
वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। और पहले हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे हमारे खेत तो थे बट वो कोई ग्रेन नहीं देते थे, तो उससे उस जगह से तो ये जगह बहुत बेटर है क्योंकि हम रात को भरपेट खाना खा के सोते हैं। ऐसा कौन कह रही है? ग्रुप ऑफ वुमेन्स इन टैटर्ड साड़ी, टैटर साड़ीज पहनी हुई, टैटर्स मीन्स होता है ओल्ड एंड टॉर्न, ऐसी साड़ियाँ जो जिनमें पुरानी हो गई है और हॉल हो गए हैं। वेन आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, ऐसा उन औरतों ने कब आंसर दिया? जब एनिस जंग ने उनसे पूछा कि आप लोग अपने ब्यूटीफुल लैंड और ग्रीन जो खेत हैं और रिवर्स हैं उनको छोड़कर क्यों आ गए? वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। और वो खाने के लिए कहाँ पे जो ट्रांजिट होम बनाते हैं, ट्रांजिट होम ऐसे होते हैं जिनको जहाँ पे भी इन लोगों को खाना मिलता है वहीं पर उन घरों को बना लेते हैं और फिर से वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, ये एक टेंट की तरह होते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे बड़े होते जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और अपने पेरेंट्स का ही, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स का सर्वाइवल का हिस्सा बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और वो यहाँ पे क्या काम करते हैं? कूड़ा उठाने का ही काम करते हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और अब तो वो उनका एक काम करते करते, रैग पिकिंग का वर्क करते करते वो एक फाइन आर्ट्स, मतलब वो इतने माहिर हो गए हैं, सब अपने अलग अलग तरीके से ये गार्बेज है ये कलेक्ट करते हैं, ये उनका एक प्रोपोर्शन, एक रिलेशन बन गया है गार्बेज के साथ। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और गार्बेज उनके लिए एक गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यहाँ से उनको डेली के लिए ब्रेड मिलता है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इसकी वजह से उनके सर के ऊपर छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, लेकिन ये जो रूप है ये भले ही लीक होती रहती है बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, वो साहेब यहाँ पे एनिस जंग को बता रहा है कि मुझे काफ़ी टाइम से काफ़ी बार यहाँ पे एक रुपये मिल जाता है, इवन ए 10 रुपीज़ नोट, और काफ़ी बार तो मुझे 10 रुपी नोट भी मिल जाता है साहिब से, साहिब ने कहा। His eyes lighting up, और ऐसा बताते बताते उसकी आँखें हैं वो चमक रही थी, मतलब वो हैप्पी था। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scratching for there is hope of finding more. अगर उनको सिल्वर कोइन भी गार्बेज में मिल जाता तो भी उनकी जो सर्चिंग, ढूंढने की जो उनकी चाहत है वो कम नहीं होती। It seems that for children, garbage has a meaning different. ऐसा लग रहा था कि बच्चों के लिए इस गार्बेज का मीनिंग है वो कुछ और ही है, फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की बजाय। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों को तो ये गार्बेज में ये सब मिल जाता तो ये बहुत ही वंडर लगता है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और उनके पेरेंट्स को तो ये सिर्फ एक सर्वाइवल करने का, जीने का अर्थ है, मतलब है। वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर मॉर्निंग सुबह, सर्दियों की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंसिस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। एक दिन सुबह क्या होता है, साहिब है वो फेंसिस्ड गेट जहाँ पे तारे लगी होती है वहाँ पे अपने नेबरहुड जो पड़ोसी हैं वहाँ के क्लब में देखता रहता है कि टू यंग मैन हैं, उन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है और टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम करते हुए उसने जवाब दिया कि मुझे गेम पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उसको इस ये देखने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है, और वो फेंस जो है तारे लगी हुई उनके पीछे खड़ा होके देखता रहता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स, और वो बताता है कि जब यहाँ पे कोई नहीं होता है तो मैं काफ़ी बार अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और यहाँ के जो गेट कीपर है वो मुझे यहाँ के झूले भी यूज़ करने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहिब ने यहाँ पे टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, और वो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, क्यों लग रहा है? ओवर हीज़ डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स,
क्योंकि उसने टेनिस जो टेनिस की पूरी ड्रेस वाइट होती है लेकिन उसने डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए जो मैच नहीं कर रहे। समवन गिव देम टू मी, वो बताता है कि ये मुझे किसी ने दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन करते हुए बताता है कि ये शूज़ है ये मुझे किसी ने दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, और ये किसी रिच बॉय ने किसी अमीर लड़के ने इनको डिस्कार्ड कर दिया था, नहीं पहना था। क्यों नहीं पहना था? हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। अब उस दोनों शूज़ में नहीं बल्कि एक शूज़ में हॉल हो गया था जिसलिए उस रिच बॉय ने नहीं पहना। डज नॉट बॉदर देम, और ये सब साहिब को पहनने में इसमें कोई शर्म नहीं आ रही बल्कि उसको ये अच्छा लग रहा है। फॉर वन हु हैड वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद ए हॉल इज ए ड्रीम कम ट्रू, क्या कहता है कि फॉर वन हु हैड वॉक्ड बेयरफुट, नंगे पैर चलने वाले बच्चों को अगर शूज़ मिल जाए तो ये तो उसका ड्रीम है, सपना है, जैसे सच हो गया हो। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, बट द गेम ही इज वॉचिंग, वो गेम को देखता रहता है बहुत ही अटेंशन से, ध्यान से, इंटेंटली मतलब एग्र अटेंशन, इज आउट ऑफ हिज रीच, परंतु वो उस तक पहुंच नहीं पाता। दिस मॉर्निंग, इसी सुबह, यह सुबह साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब है वो कहाँ पे जाता रहता है, मिल्क बूथ, जहाँ पे दूध मिलता है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है जिसमें दूध डाला जाता है, स्टील कैनिस्टर। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, और बताता है कि मैंने अभी टी स्टॉल में टी चाय की एक स्टॉल में काम करना शुरू कर दिया है जो डाउन द रोड, रोड के लास्ट में है। ही सेज, उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और डिस्टेंस बताते हुए कहा, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और मुझे वहाँ पे 800 रुपये मिलते हैं और खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, एनिस जंग ने पूछा, क्या तुम्हें वो जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी, मैंने उसका चेहरा देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब उसके फेस के ऊपर वो वाला केयर फ्री लुक नहीं था जब वो रैग पिकर था, जब ऐसे फ्री रहता था वैसा लुक उसके फेस पे नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, अब वो स्टील का जो कैनिस्टर था वो उसको बहुत ही हैवी लग रहा था देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की बजाय। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो वो बहुत ही हल्के से अपने शोल्डर के ऊपर रख लेता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो बैग उसका खुद का था। अब ये कैनिस्टर उसको हैवी क्यों लग रहा था, क्योंकि उसको किसी के अंडर वर्क करना पड़ रहा था, और जो प्लास्टिक बैग था वो उसका खुद का था, इसलिए वो उसको लाइटर लग रहा था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, क्योंकि कैनिस्टर है वो टी शॉप जो ओनर था उसका था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब है वो खुद का मास्टर नहीं रहा, जिस तरह से जब वो पहले रैग पिकर्स था उसके मन में जो आता था वो करता था, अब वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें से ही सीन पैसेज जो आते हैं इसमें से इसी के आंसर, इसी में से आंसर निकल जाते हैं, इसी में से पूछे जाते हैं। सो हम इसके पैसेज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, वॉट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, हम लोगों ने देखा था जहाँ पे हमारा जो लेसन स्टार्ट हो रहा था कि साहिब है वो गार्बेज में से क्या ढूंढ रहा है और वो कहाँ से आया है। तो साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, ही इज़ इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, साहिब है वो गोल्ड गार्बेज से ऐसे कुछ चीज़ें उठाता है, उसको बहुत ही प्रीसियस लगती है लाइक ए गोल्ड, और वो कहाँ, वो बांग्लादेश से आता है। ही कम विद हिज मदर इन 1971 में अपनी मदर के साथ। हिज हाउस वॉज सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, पहले वो उसका बहुत ही ग्रीन फील्ड था और ढाका में उनके फार्म थे, और स्ट्रॉम स्वीप्ट आफ्टर देयर फील्ड्स एंड होम्स, और सो दे लेफ्ट द कंट्री, इस कारण से उसने कंट्री छोड़ी क्योंकि उसके जो फील्ड्स थे वो सारे सब बह गए थे।
क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर्स फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। हम लोगों ने देखा था कि जब ऑथर है वो एक्सप्लेनेशन मांगती तो बच्चे बताते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशनल था जिस वजह से हम लोग नहीं पहनते, जैसा कि पैसेज में भी यहाँ पे इनका आंसर है। जैसे वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज़ दैट इज ए ट्रेडिशनल टू स्टे बेयर फुट, कि बेयर हमें नंगे पैर रहना हमारा एक ट्रेडिशनल है, एंड इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, कि ये पैसों की कमी नहीं बल्कि एक ट्रेडिशनल है। ही वंडर्स इफ दे इज ओनली एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि ये स्टेट ऑफ पॉवर्टी पर ऐसी सिचुएशन है जो कभी बदल नहीं सकती। लास्ट, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। अभी हमें हमने देखा कि साहिब है, क्या वो हैप्पी है टी स्टॉल में काम करके, एक्सप्लेन। नो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, हिज फेस हैज लॉस्ट ऑफ केयर फ्री लुक, द स्टील कंटेनर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर द शोल्डर, द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स इन द टी शॉप। इसीलिए वो हैप्पी नहीं है उसको, क्योंकि ये जो कैनिस्टर है ये टी शॉप ऑनर का है, और उसका जो बैग उसको खुद का था इसलिए वो उसको लाइट लग रहा था। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।